अस्सलाम वालेकुम सामीन, 20 जुमादल उला की तारीख शुरू हो चुकी है, 13 दिसंबर है। खबर का उनवान है, इमामों की तनख्वाह दुगनी हो गई है। ये फैसला रियासत पंजाब में हुआ है, जहां हाल ही में एडमिनिस्ट्रेटर बने ADGP पंजाब फैयाज फारूकी साहब ने तारीख ऐलान किया है कि जितने इमाम हैं उनकी तनख्वाहें डायरेक्ट दुगनी कर दी है। जिस इमाम की तनख्वाह 9,000 थी, अब उसको अगले महीने से इंशाल्लाह 18,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी। साथ साथ ADGP ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो इमाम रिटायर होगा उसको हर महीने ता हयात 3,000 रुपये महाना बतौर पेंशन मिलते रहेंगे। ये कारण पंजाब वक्फ बोर्ड ऐसा पहला वक्फ बोर्ड बन गया है कि जो इमामों के रिटायर होने पर सबुकदोश होने पर पेंशन देने वाला बन गया है। ये फैयाज फारूकी साहब का एक तारीखी फैसला है। इस तारीखी फैसले पर सीनियर साफी मदर आलम मजाहरी ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है और वही हमसे रबते में है। वो बता रहे हैं कि फैयाज फारूक के इस तारीखी फैसले की 400 तारीफ हो रही है। आप हमारे साथ बने रहें, इस बारे में हम अगला बुलेटिन भी इंशाल्लाह 24 घंटे बाद जारी करेंगे कि तनख्वाहें किस तरह बढ़ी हैं। फिलहाल तनख्वाह का खुलासा यह है कि जितने इमाम पंजाब वक्फ बोर्ड में हैं उनकी तनख्वाह दोगुनी कर दी गई है और जो भी इमाम रिटायर होगा उसको ताउम्र ता हयात 3,000 रुपये महाना बतौर पेंशन के मिलते रहेंगे।